सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सियालकोट मोटरवे के ठेके से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने ठेके का फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मशरूत कर दिया। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शाकिर से। उमर, समाअत के हवाले से बताइएगा। आज ये सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लाहौर सियालकोट मोटरवे के ठेके से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने ठेके का फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जवाद रफीक ने अदालत को ठेके की तफसीलात से आगाह किया। जवाद रफीक ने अदालत को बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे के ठेके की मालियत 2014 में 14 अरब थी, जो बढ़कर 19 अरब रुपए तक हो गई। जवाद रफीक ने अदालत को बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद ठेके का फैसला करेंगे। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि नई हुकूमत तश्कील दी जा चुकी है, एक्सेस के फैसले तक कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। अदालत ने मामला जो है वो हुकूमत की मंजूरी तक से जो है वो मशरूत कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर शाकिर।